भगवान कुबरेश्वर धाम महादेव, यहाँ पे आप लोग भगवान कुबरेश्वर की पूजा कर सकते हैं। शिव पुराण, महाशिव पुराण अपने भक्तों को जो है यहाँ पे सुनाते हैं। श्री शिवा नमस्तोभ्यम। और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की पीतल की मूर्ति रखी हुई गौशाला, या गौशाला में आप दान दे सकते हैं। दोस्तों अभी मुझे लग गया है रुद्राभि का निशान। और ये गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपका यात्रा गुरु 29 पे। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज तो फाइनली मैं पहुँच गया आज श्री कुबरेश्वर धाम, क्योंकि श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथावाचक, जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है, श्री भागवत पुराण भी करते हैं और शिव पुराण भी करते हैं। आज उनके उनका जो स्थान है श्री कुबरेश्वर धाम सीहोर में, मैं आज वहां पे पहुंच गया। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पे इस तरीके का आपको ये गेट मिलेगा। और ये जो रोड है, ये रोड आया है सीधा भोपाल से और यहाँ पर जाएगा ये सीधा उज्जैन और इंदौर। तो ये मेन हाईवे 4 लेन रोड है ना। ये 4 लेन रोड पे आपको सीहोर से जैसे ही आप 15 किलोमीटर आगे आते हो तो आपको दिखता है ये इस तरीके का यहाँ पे बैरियर दिखते हैं। और यहाँ अंदर आपको करीब 1 किलोमीटर अंदर जाना है और आप पहुँच जाओगे श्री कुबरेश्वर धाम महादेव के पास। तो कुछ इस तरीके का यहाँ का नज़ारा है। और अगर आप यहाँ तक आना चाहते हो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो आप इंदौर वाली बस भी पकड़ सकते हो जो कि 30 रुपये लेगी। आप रेलवे स्टेशन के सीहोर रेलवे स्टेशन के बाहर से निकल के आप 30 रुपये एक यात्री का जो चार्ज लगता है टैक्सी वाले को, तो शेयरिंग टैक्सी में 30 रुपया दे के आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। और अगर आप पर्सनल टैक्सी करके आते हो तो करीब 300-350 रुपये आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रोड अभी ख़राब है क्योंकि अभी जो है बारिश का टाइम है, तो रोड ख़राब हो ही जाता है, लेकिन बन जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। और आप देख सकते हो ये यहाँ पे 4 लेन का हाईवे है। वहाँ पे बोर्ड लगा दिख जाएगा आपको मेरे पीछे, आपको दिख भी रहा होगा, लिखा है कुबरेश्वर धाम अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी। तो कुछ इस तरीके का माहौल यहाँ पे हो रखा है। और आप या शेयरिंग टैक्सी से आते हो, यहाँ से आप पैदल जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से आपको 30 रुपये पर हेड के हिसाब से वो सीहोर स्टेशन पे छोड़ देंगे। चलिए ये देखो टैक्सी जा रही है, ये टैक्सी सीधा वहाँ पे जाएगी। ये इंदौर वाली बस खड़ी है, तो इंदौर से आइए और भोपाल साइड जाएगी तो वहाँ पे ये सारी व्यवस्थाएँ जम जाएगी। तो खाने पीने के बाहर स्टॉल लगे हुए हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है, यहाँ पे अच्छा खासा माहौल है, भक्तों का बहुत ज़्यादा आना लगा हुआ है, तो आप भी यहाँ पे समय निकाल के आ सकते हो। तो जुड़े रहे यात्रा गुरु 29 के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों अभी मैं हूँ कुबरेश्वर धाम में, बहुत फेमस है विश्व विख्यात श्री कुबरेश्वर धाम, अंतर्राष्ट्रीय प्रवचन करता शिव पुराण करता श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी कुबरेश्वर धाम में। अभी मैं हूँ सीहोर में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पंडित मिश्रा जी सभी भक्तों की कष्टों को दूर करते हैं, उनकी मनोकामना करने के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना की विधि विधान बताते हैं। तो भगवान शिव कुबरेश्वर महाराज के पवन पावन धाम में मैं आज आप पहुँचा हूँ। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है। अभी बारिश का मौसम है तो थोड़ा आपको हालत खस्ता दिख रही होगी। हर तरीके का क्या है यहाँ पे थोड़ा सा अभी डेवलपमेंट काम चल रहा है, क्योंकि अभी भक्तों का यहाँ पे सावन का महीना है तो आना जाना बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सीहोर रेलवे स्टेशन पे आना पड़ेगा। आपके सिटी से अगर आप आना चाहते हैं तो आपके सिटी से सीहोर तक की अगर ट्रेन डायरेक्ट मिलती है तो आप सीहोर की ट्रेन पकड़ लें, अगर डायरेक्ट नहीं मिलती है तो आप सीहोर तक कैसी भी करके पहुंच जाएं। फिर सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबरेश्वर धाम की जो दूरी है वो 15 से 17 किलोमीटर के बीच में है। वहाँ से आप इंदौर की बस ले सकते हैं, इंदौर की कोई सा भी लोकल ट्रांसपोर्ट ले लें और आप मेन हाईवे पर उतर जाएँ, कुबरेश्वर धाम बोल दें आप उससे, तो करीब 40-50 रुपये में आपको कुबरेश्वर धाम वो उतार जाएगा रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से। और अगर आप पर्सनल टैक्सी से आना चाहें तो आपको करीब 300-400 रुपये खर्च करना पड़ेंगे कुबरेश्वर धाम आने के लिए। तो ये इसका मेन गेट है। आप जैसे ही हाईवे से आएंगे तो हाईवे से आपको इस वाले रोड से आना है। पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो 4 व्हीलर पार्किंग और 2 व्हीलर पार्किंग की व्यवस्था भी इधर पे है, जिसमें 10 रुपये 2 व्हीलर के और 4 व्हीलर के 20 रुपये आपको यहाँ पे करना पड़ सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे ही आप यहाँ पे आते हो
तो आपको मेन गेट कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। अभी काम यहाँ पे डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं हुआ है अभी एरिया। भक्तों का आना जाना अचानक से यहाँ पे सावन के महीने में बड़ा है, तो व्यवस्थाएं थोड़ी सी चरमराई हुई है। लेकिन आप कभी सावन के बाद आओगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा बढ़िया व्यवस्था देखने को मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं श्री कुबेरेश्वर धाम के अंदर और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे सभी भक्त लोग खड़े हैं और ये यहाँ पे मेन एंट्री पॉइंट है, एंट्री गेट प्रवेश द्वार बनाया गया है कुबेरेश्वर धाम का। जब कहीं प्रदीप महाराज जी यहाँ पे होते हैं तो उनके दर्शनों के लिए बहुत भक्तगण यहाँ पे आते हैं और भीड़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी तो देखा जाए तो भीड़ फिर भी सावन के हिसाब से कम है, लेकिन सावन सोमवार के दिन भक्तों का यहाँ पे तांता लग जाता है और भीड़ बिल्कुल भी यहाँ पे संभाले नहीं संभलती है। तो यहाँ पे सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, भक्तों के यहाँ पे जो ये जो धाम है इस धाम के कुछ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, सब व्यवस्थाएं बढ़िया हैं। अब आगे अंदर चल के देखते हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं हो रखी हैं। तो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये भगवान विष्णु की मूर्ति बनी हुई है, जो कि भगवान विष्णु की मूर्ति बनी है क्षीर सागर में शेषनाग सैया पे लेटे हुए और उसके नीचे लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पास में चल के देखते हैं अपन कैसा क्या है। ये भगवान शिव जी का मूर्ति बन रहा है बहुत बड़ा, लेकिन अभी डेवलपिंग है, पूरा नहीं बना है, बन जाएगा अगली साल तक। देखते हैं आगे चल के और क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। श्री सिद्ध धाम कुबेरेश्वर महादेव का यहाँ पे जो है शिवलिंग है और वो शिवलिंग मैं आपको चल के दिखाता हूँ। जुड़े रहें यात्रा गुरु 29 के साथ और अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मित्रों, जैसे ही आप एंट्री से अंदर आते हो आपको एक विशाल मंदिर प्रांगण देखने को मिलता है और सबसे पहले आपको दर्शन करने के पहले आना है हाथ पैर धोने। तो ये जो एरिया आप मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पे सारी नल की व्यवस्था है, आप नल के थ्रू अपने हाथ पैर धो सकते हो, मुँह हाथ धो सकते हो और अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे सभी भक्त बढ़िया से हाथ पैर धो रहे हैं और यहाँ पे हाथ पैर धो के लोटे में जल लेके चलते हैं हम भगवान कुबेरेश्वर के पास। लगता है पानी ख़त्म हो गया है, अंदर भी एक नल है उस नल में चल के पानी भर लेते हैं। तो अभी पानी ख़त्म हो गया क्योंकि दोस्तों टाइम हो गया है, करीब 2 बज गए हैं और 2 बजे तक जो है खाना पीना यहाँ पे सभी लोग खा के हाथ पैर धो के और पानी को ख़त्म कर दिया है। आ जाएगा थोड़ी देर बाद पानी भी आ जाएगा, चलते हैं अंदर भगवान भोलेनाथ के पास। तो पानी वहाँ से नहीं मिला है, अंदर भी एक नल लगा है वहाँ से पानी भर लेंगे और मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ। मेरे पीछे भगवान विष्णु की मूर्ति है, यहाँ पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है और ये आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण, यहाँ पे मंदिर बना है और भोलेनाथ वहाँ पे विराजमान है। तो चलिए भोलेनाथ को मैं अभी दिखाता हूँ, पहले लोटे में जल भर के लाते हैं उसके बाद भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाते हैं। ये देखिए मैं दोस्तों मंदिर प्रांगण में आ गया हूँ, अभी ये पत्थर बिछे हुए हैं, इस पे जो है काम होना, अभी मंदिर का काम लगा है, बहुत अच्छे लेवल पे जब काम हो जाएगा करीब 1-1.5 साल बाद तब यहाँ की भव्यता सिर्फ देखते ही बनेगी। दूर दूर से भक्त लोग अभी भी आ रहे हैं, फिर तो कुबेरेश्वर धाम जो है एक तीर्थ स्थान बन जाएगा यहाँ मध्य प्रदेश सीहोर का। मित्रों, अगर आपको बाहर जल ना मिले जैसा कि वहाँ पर पानी ख़त्म हो गया तो आप इस वाले एरिए में आ सकते हो, जस्ट मंदिर के बाजू में बना है ये एक और एरिया जहाँ पे नल लगे हुए हैं पानी वानी पीने के, तो आप यहाँ से जल भी ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पे पानी बराबर आ रहा है, तो मैंने लोटे में लिया जल और एक लोटा जल सारी समस्या का हल। चलिए अब भोलेनाथ के पास चलते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा आराम से आइएगा, क्योंकि ये पर मार्बल लगा है तो आप स्लिप भी हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं भोलेनाथ के पास, जल मिल गया है अपने लिए। हो मेरे शंभु मेरे संग रहना, मेरे शंभु मेरे संग रहना, मैंने तेरी कृपा से सीखा है दुख सुख सहना, तू बिन मांगे सब देता, बदले में कुछ भी ना लेता, तेरी कृपा हम पे बरसे, तुझसे मिलने को हम तरसे। ये देखिए भोलेनाथ श्री कुबेरेश्वर महादेव, प्राचीन सिद्ध चट्टान के रूप में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग रखा हुआ है और सभी भक्त लोग अपनी जिनकी मनोकामना पूर्ण हो गई है और जो मनोकामना मांगने आए हैं भगवान भोलेनाथ पे जल बेलपत्री है ना भांग धतूर ये सब चीज़ें चढ़ा के अपनी अर्जी अपनी विनती प्रार्थना भोलेनाथ के चरणों में लगा रहे हैं।
तो यहाँ पे भगवान शिवलिंग जो है बहुत बड़ी विशाल चट्टान के रूप में उनकी पूजा हो रही है। और भगवान कुबेरेश्वर धाम महादेव, यहाँ पे आप लोग भगवान कुबेरेश्वर की पूजा कर सकते हैं। तो चलिए हम भी भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करते हैं और भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगा के उनकी प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको जल चढ़ा दिया है आप, जैसा कि आपने देखा, ये देखिए भोलेनाथ का विशाल स्वरूप श्री कुबेरेश्वर महादेव। और यहाँ पे जो है प्रदीप महाराज जी का कथा स्थल है, ये एक हॉल बना है, इस हॉल में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति रखी है। और यहाँ पे प्रदीप महाराज जब भी आते हैं तो यहाँ पे भगवान शिवपुराण, महाशिवपुराण अपने भक्तों को जो है यहाँ पे सुनाते हैं। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं और भगवान भोलेनाथ की मूर्ति और उनकी जो है व्यासपीठ कथा जहाँ पे वो करते हैं, वो गद्दी बनी हुई है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर का क्या माहौल हो रखा है। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, कुछ भी आप यहाँ पे जो है प्रसाद वगैरह खरीद सकते हो। नारियल है, अपनी मनोकामना मांगने के लिए आप नारियल भगवान भोलेनाथ को अगर भेंट करना चाहते हो तो नारियल लाल कपड़े में पैक है, यहाँ पे वो खरीद सकते हो। और इस साइड वाली दुकान पे देखते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है। यहाँ पे आप चंदन, आरती, अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें खरीद सकते हो। रुद्राक्ष की मालाएं टंगी हुई हैं, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे सेटअप है। चलिए चलते हैं अंदर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये देखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये देखिए मित्रों, यहाँ पे अपनी अपनी जो मनोकामना होती है उसके लिए लोग भेंट स्वरूप नारियल जो है दान करते हैं, यहाँ पे भगवान को भेंट चढ़ा देते हैं। श्री कुबेरेश्वर धाम, यहाँ पे प्रदीप महाराज जी का जो है फोटो भी लगा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की पीतल की मूर्ति रखी हुई है, तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके यहाँ पे सभी लोग अपनी भेंट अर्पण करके और अर्जी लगा के यहाँ से निकल जाते हैं। देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके का नज़ारा। भक्तों की भीड़ भी यहाँ पे अच्छी खासी हो रखी है, आप मेरे चारों तरफ देख सकते हो। बहुत दूर दूर से, भारत के कोने कोने से जो है भक्त सभी यहाँ पे पधार रहे हैं। अपनी अपनी भगवान भोलेनाथ में श्रद्धा है और प्रदीप महाराज जी का पूजा करने का तरीका जो अपने भक्तों को वो बताते हैं, उनसे उनको लाभ मिलता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो भक्त इसलिए यहाँ पे दौड़े चले आते हैं। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ से बाहर। और आपको दिखाते हैं अब यहाँ का नज़ारा। ये दोस्तों, ये जो शिवलिंग है, बहुत बड़ा मूर्ति बना रहे हैं ये लोग, जिसमें कि एक गुफा टाइप का, और उस गुफा में भगवान भोलेनाथ का एक विशाल शिवलिंग। तो जब ये बन जाएगा उसके बाद यहाँ की रौनक जो है बिल्कुल ही अलग होने वाली है। बहुत अच्छा, अद्भुत यहाँ पे जो है आपको लगने वाला है कुबेरेश्वर धाम में। और विश्व विख्यात होने में बस कुबेरेश्वर धाम को, मंदिर का कार्य पूरा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 साल और लगेगा। सभी भक्त भगवान भोलेनाथ के चरणों में कुबेरेश्वर धाम जरूर आएंगे। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं, जैसे कभी आपको शिवरात्रि के दिन यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, सोमवार के दिन बहुत भीड़ होती है, तो जब भक्त यहाँ पे ज़्यादा आ जाते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे प्राथमिक उपचार भी बना हुआ है पंडित रामदयाल, जिसमें प्राथमिक उपचार में आपको बेसिक कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप यहाँ पे ले सकते हो। अन्नदान सामग्री यहाँ दान करें, अगर कुछ अन्न के रूप में आप दान करना चाहते हो, जैसे गेहूँ, चावल या फिर और भी कुछ, तो आप यहाँ पे दान कर सकते हो। और अगर आपको पैसा वगैरह या फिर सोना चांदी कुछ भी दान करना है तो वो दान करने के लिए ये है दान कार्यालय,
यहाँ पे आप दान कर सकते हो और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो आप। जैसे आपके पास कैश नहीं है तो आप QR कोड को स्कैन करो, ये देखो सामने QR कोड लगा है, QR कोड को स्कैन करके और आप यहाँ पे दान दे सकते हो, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रदीप मरा श्री विठलेश्वर सेवा समिति सीओर के नाम से आप यहाँ पे दान कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे रुद्राक्ष कहाँ मिल रहा है। जैसे कि आप सब लोगों ने सुना होगा, सीओर में सिद्ध रुद्राक्ष मिलता है जो मंत्रों से सिद्ध होता है। तो अभी उसका पता लगाते हैं कौन से एरिया में रुद्राक्ष मिल रहा है हमको। अभी मैं आपको बताता हूँ, जुड़े रहें यात्रा गुरु 29 के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। रुद्राक्ष का पता चल गया है, जो अभिमंत्रित सिद्ध रुद्राक्ष है वो मिलने का स्थान है यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ से एंट्री नहीं कर सकते हो। ये देखिए, ये भक्तों की लाइन चल रही है ना मेरे पीछे, आप देख रहे हैं ये भक्तों की जो लाइन चल रही है, ये लाइन इस वाले कैंपस से नहीं आई है। आपको जाना है मेन रोड पे, बिल्कुल मंदिर गेट के बाहर, और बाहर से फिर आपको मंदिर की बाउंड्री के बाहर 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 इधर से, और आपको इस बाउंड्री के उस साइड से अंदर एंट्री लेनी है, फिर उसके बाद रुद्राक्ष मिल रहा है। तो रुद्राक्ष बड़ी आसानी से मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, बस आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे और आपको एक रुद्राक्ष जो बिल्कुल सिद्ध रुद्राक्ष है वो मिल जाएगा। उसकी आप घर पे जाके अभिषेक करें, पूजा करें और उसके कुछ जो है लाभ हैं उनको उठाएं। अभी मैं बात करता हूँ आपको अन्य क्षेत्र की। यहाँ पे जो भंडारा चलता है, प्रदीप महाराज जी अपने सभी भक्तों को, जो भक्त दूर दराज से आते हैं उनको इस सेट में, ये बहुत विशाल जो है टीन सेट आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये बहुत विशाल टीन सेट है। यहाँ पे लोग आके अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, खाना वगैरह भी खाते हैं। खाना खा लिया आपने? कहाँ मिलता है खाना? बंद हो गया थोड़ी देर के लिए, तब तक आप कहाँ से आए? कौन से स्टेट से? हरदा जिला। हरदा, देखो भैया भी बहुत दूर से आए, हरदा जिला से फैमिली के साथ आए। ये देखिए भगवान भोलेनाथ में श्रद्धा, देखिए दोस्तों बहुत दूर दूर से कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं। प्रदीप महाराज जी बहुत बढ़िया उपाय बताते हैं पूजा करने का तरीका, सभी लोगों में उन्होंने जो है अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, है ना। ये देखिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ में सभी को आस्था है और आपको भी अगर आस्था है तो श्री कुबेरेश्वर धाम जरूर आइए। हर हर महादेव। तो मित्रों खाना अभी बंद हो गया है, टाइम बजने वाला है 3, तो 2:30 से 3 बजे के बीच में खाना को रोक दिया जाता है। अब खाना स्टार्ट होगा 7 बजे, जिसमें कि आज खिचड़ी थी, चावल की खिचड़ी। तो ये जो टीन सेट आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये बस भक्तों को रेस्ट करने के लिए और उनको खाना पीना खा के रुकने के लिए ये टीन सेट बना हुआ है। अगर आप बाहर से आते हो, कहीं आप दूर दराज से आए हो, तो आपको बाहर कॉम्प्लेक्स में जो है रुकने की या फ्रेश व्रेश होने की ज़रूरत नहीं है। आप एंट्री लेके सीधे इस साइड आ सकते हो। यहाँ पे बराबर वॉशरूम बने हुए हैं, ये देखिए जेंट्स ये लेडीज़, यहाँ पे वॉशरूम बने हुए हैं। आप एकदम से फ्रेश हो सकते हो, नहा सकते हो, स्नान कर सकते हो, कपड़े चेंज कर सकते हो और उसके बाद यहाँ से सीधा जो है महादेव के दर्शन करने जा सकते हो। तो कुछ इस तरीके का यहाँ का माहौल है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखो रुद्राक्ष की लाइन कहाँ से चल रही है। ये जो मंदिर के बाहर से आप घूम के आओगे तो ये टेंट लगा हुआ है ऊपर, और ये टेंट से ये भक्त जो है यहाँ से घूमते हुए मंदिर का पूरा परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं और पीछे वाले गेट से जो है रुद्राक्ष प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं कुबेरेश्वर धाम मंदिर का प्रांगण, बस इतना ही है। और अगर आपको ये वीडियो कुबेरेश्वर धाम की अच्छी लगी तो आप लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हर हर महादेव। ये देखिए मित्रों, ये पूरा मंदिर प्रांगण है, वहाँ पे श्री कुबेरेश्वर मंदिर है, यहाँ पे विष्णु भगवान की मूर्ति है, और मेरे यहाँ पे ये साइड में आप देख सकते हो ये है गौशाला। यहाँ गौशाला में आप दान दे सकते हो या फिर आप कुछ घास या चारा वगैरह लेके आए हो तो उनको खिला भी सकते हो। तो इस तरीके का यहाँ पे माहौल हो रखा है। और ये है रसोई, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी भक्तों को जो है खाना बनता है। अभी खाने का टाइम ख़त्म हो गया, कितने बजे होगा आंटी अब खाना? अब 7 बजे से स्टार्ट होगा खाना। अब दोबारा ये सभी साफ़ सफाई हो रही है, बर्तन सारे धुल रहे हैं, सभी बर्तन एकदम धुल धुला के साफ़ हो जाएंगे और उसके बाद जो है खाना फिर से बनना स्टार्ट होगा भोग खिचड़ी के रूप में। ये देखिए आप मेरे पीछे, ये सारी गौ माताएं जो है सेवा करने वाले सभी गौ भक्त जो होते हैं वो गौ माता को जो है दान भी देते हैं और साथ ही साथ कुछ खाने पीने के लिए भी इनको लाते हैं। यहीं के यहीं भी आप जो है खरीद सकते हैं, उधर पे चारे की दुकान है तो वहाँ पे आप कुछ भी हरा घास या फिर
भूसा वगैरह या जो भी गौ माता को खाने के लिए होता है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये जो दो सेट बने हुए हैं ये गौ माता के लिए हैं। ये देखिए साफ सफाई बढ़िया कंटिन्यू है और ये तैयारी हो रही है 7 बजे की। यहाँ पे बस एक और है कि आप वहाँ पे टेबल पे खाना रख दिया जाएगा और आप खाना खाने के बाद ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कंटेनर, इनमें आपको थाली धो के और आपको वहाँ पे वापस रखना है जिसमें आने वाले और भक्तों को जो है खाना मिल सके। तो दोस्तों कुबेरेश्वर धाम के बारे में बस इतना ही था। यहाँ पे सीहोर से 15 किलोमीटर आगे आप जब इंदौर हाईवे पे आओगे तो बड़ी ही आसानी से आप आ जाओगे, कोई परेशानी की बात नहीं होगी आपको। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं बढ़िया से दर्शन करने के बाद आ गया हूँ रुद्राक्ष लेने, जो कि अभिमंत्रित रुद्राक्ष यहाँ पे सबको मिलता है। जो भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, जितने मेंबर आते हैं उनको सबको रुद्राक्ष दिया जाता है। तो अभी ये देखो आप यहाँ से मंदिर के पीछे से आपको ये कुछ रेलिंग वाला जो है लाइन दिखेगा। जब भीड़ ज़्यादा पड़ती है तो सभी लाइन्स में भक्त जाते हैं, अभी भीड़ कम है इसलिए इक्का दुक्का पीछे से भक्त जो है दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और बराबर से 5 से 10 मिनट में रुद्राक्ष सबको मिल रहा है। तो अभी मैं भी जा रहा हूँ लाइन में और रुद्राक्ष लेता हूँ। रुद्राक्ष जो भी भक्त लेता है उसकी फिंगर में एक निशान लगा दिया जाता है, चिन्ह लगा दिया जाता है, जिससे वो दोबारा जो है रुद्राक्ष ना ले पाए। हर मेंबर को एक रुद्राक्ष मिलेगा। चलिए चलते हैं, लेते हैं रुद्राक्ष। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। कुबेरेश्वर धाम में पधारे सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ये जो है विठलेश समिति, भगवान विठलेश्वर के नाम पे समिति का नाम है और प्रदीप महाराज जी इसका संचालन करते हैं सभी अपने सेवकों के साथ। तो देखिए प्रभु, मैं आ गया हूँ रुद्राक्ष लेने वाली लाइन में और अभी मुझे मिलने वाला है रुद्राक्ष। ये आप जो काउंटर देख रहे हैं ये सभी काउंटर रुद्राक्ष देते हैं। निशान लग गया है फिंगर में, अब इसका मतलब आपको एक रुद्राक्ष मिलेगा। देखिए दोस्तों, अभी मुझे लग गया है रुद्राक्ष का निशान और ये अभिमंत्रित रुद्राक्ष मुझे मिल गया है। हर हर महादेव। ये देखिए भगवान भोलेनाथ की बहुत असीम कृपा, यहाँ तक आने का प्रसाद सबसे बड़ा ये भगवान भोलेनाथ का रुद्राक्ष। रुद्राक्ष मिल जाता है, आप मंदिर के पीछे से एंट्री लेते हो और आ जाते हो आप मंदिर प्रांगण में। ये देखिए मैं वापस से मंदिर प्रांगण में आ गया। अभी भीड़ कम है इसलिए लोगों को इस साइड एग्जिट दे रहे हैं। जब भीड़ ज़्यादा होती है तो वहीं की वहीं उन्हीं जो है रो में वो एग्जिट दे देते हैं। अभी रुद्राक्ष मिल चुका है, पंचमुखी रुद्राक्ष आप लोग देख रहे हो ये। और ये रुद्राक्ष जो है ओरिजिनल है, ठीक है ना। चलो देखते हैं अब भगवान भोलेनाथ का रुद्राक्ष जो है पूजा करते हैं, धारण करते हैं और भगवान भोलेनाथ का जयकार लगाते हैं। हर हर महादेव। ये देखिए दोस्तों, सीहोर का मोस्ट पॉपुलर वाटर पार्क क्रिसेंट, जहाँ पे आप फुल डे आउट कर सकते हो और नहा सकते हो, बढ़िया से जो है पार्टी वगैरह पिकनिक वगैरह अपने दोस्तों के साथ करके जा सकते हो। ये जो मेरे सामने आप रोड देख रहे हैं ये रोड सीधा सीहोर बाईपास है और इससे थोड़े ही आगे 5 से 6 किलोमीटर आपका कुबेरेश्वर धाम पड़ेगा।